हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, जो आपको हर एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंचाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो अपना, इसमें आपको पहला आपको जो चैप्टर हम कराने जा रहे हैं वो है आपका टाइम एंड वर्क। और इसमें सबसे आपको ओनली इसमें तीन फॉर्मूले पे आपका पूरा टाइम एंड वर्क डिपेंड है, पूरा आपका तीन फॉर्मूले में हो जाएगा। जैसे पहला फॉर्मूला है आपका कार्य बराबर समय इंटू क्षमता। क्षमता मतलब कार्य करने की जो क्षमता, आप 1 घंटे में 2 यूनिट काम करते हो तो वो आपकी क्षमता होती है। इसको बोलते हैं डब वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। अब यहाँ आपका फर्स्ट फॉर्मूला ये है, और सेकंड आपका बनता है जब आपको टाइम निकालना हो। टाइम निकालने के लिए आपको वर्क में इफिशियंसी का डिवाइड दिया जाता है, ठीक है? कार्य में क्षमता का भाग दोगे तो आपका टाइम निकल आएगा। इसी तरह आपका इफिशियंसी है, आप वर्क में टाइम का डिवाइड दोगे तो आपकी इफिशियंसी क्षमता निकल आएगी। आप यहाँ देख रहे हो कि W यहाँ भी वर्क और यहाँ भी वर्क में डिवाइड दे रही हो, तो इससे मुझे मालूम होता है कि जब आपका वर्क सेम होता है ना, तो टाइम का रेशियो जस्ट इफिशियंसी के उल्टा होता है, या अपन यूँ कहें कि इफिशियंसी का रेशियो टाइम के जस्ट उल्टा होता है, ठीक है? क्षमता का रेशियो टाइम समय के उल्टा होगा, और आपका समय का रेशियो क्षमता के जस्ट उल्टा होगा। इतनी बात समझ में आई? अब इसके आगे बात करते हैं, क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में हम जानेंगे, ठीक है? चलिए तो अब हम देखते हैं सवालों को। यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है समय और कार का, बहुत ही बेहतरीन। इसमें लिखा है कि ए और बी किसी कार को क्रमशः 12 दिन में और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ए लिखा है, तो ए है, ए एक काम को करता है 12 दिन में। कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और बी है, वही करता है आपका 8 दिन में। कितने दिन में करता है बच्चों? 8 दिन में। अब उसने कहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना है, ठीक है? 12 और 8 का एलसीएम लोगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा, कुल वर्क। तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये कुल काम कितना करते हैं। तो सबसे पहले 12 और 8 का एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 24। कितना आएगा? 24। ये आपका कुल कार हो गया, ठीक है? कुल कार कितना है बच्चों? 24 है। अब क्या करना है आपको? मैंने बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था? जब आपको इफिशियंसी निकालनी हो तो क्या करना है? वर्क में डिवाइड देना है किसका? टाइम का। तो कुल वर्क कितना है? 24, और इसमें इसका टाइम कितना है? 12। तो 12 दिन में 24 काम करेगा, तो कितनी क्षमता के साथ करेगा? तो 12 का भाग दो 24 में, कितना आएगा? 12 दूनी 24, ठीक है? अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसके धीरे धीरे बता रहे हैं, आपकी जैसे आपको समझ में लगेगा तो आपको बहुत जल्दी सेकेंडों में आप आंसर निकालोगे। ऐसे ही 8 24 काम कितने दिन में करेगा? 3 दिन में, मतलब 3 की क्षमता से। 1 दिन में 3 काम तो 8 दिन में 24 काम। ऐसे ही 12 दिन में 24 काम करना है तो 1 दिन में कितना करेगा? ये 2 काम करेगा। 12 दिन में कितना हो जाएगा? 24 काम हो जाएगा टोटल, ठीक है? अब आप यहाँ देखो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आई। अगर आप इन दोनों की इफिशियंसी देखो, जो किसका है इफिशियंसी, तो यहाँ देखोगे ए प्लस बी की इफिशियंसी का रेशियो कितना है। अगर इफिशियंसी देखोगे, इनकी क्षमता देखोगे, तो टोटल कितनी क्षमता है? 5। कितनी क्षमता है? 5। अपन को निकालना क्या है कि कुल कार कितने दिन में करेंगे ए और बी। तो अपन यहाँ देखेंगे टाइम ऑफ ए और बी। टाइम किसका? ए और बी का टाइम। तो फॉर्मूला वही होता है टाइम का, बताया था, वर्क में डिवाइड दो किसका? इफिशियंसी का। तो आपने जब इसमें डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 5 को 20, 5 को 20 पॉइंट लगा के 5 8 40, तो इतना डीच, यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों? यही क्या है आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी एक काम को 8 दिन में करता है, और कुल कार आपको मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? इनका एलसीएम ले लो, आपका कुल कार आ जाएगा। फिर 12 दिन में करता है एक काम को, तो 24 काम कितने में करेगा? 2 दिन में करेगा। ऐसे ही 8 काम करता है, 8 दिन में काम करता है 24, तो इफिशियंसी 1 दिन में कितना करेगा? 3 काम करेगा। जी 1 दिन में कितना करेगा? 2 काम करेगा। इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी दोनों की? 5। कुल क्षमता 3 इसकी है, 2 इसकी है। कुल क्षमता कितनी होगी बच्चों? 5।
अब यहाँ से आप देखोगे कि टाइम निकालना है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कुल काम कितना है बच्चों, 24 है। अब यहाँ देखो ए और प्लस बी, ए और बी के अपन अगर टाइम निकालेंगे तो कुल कार 24 है और यहाँ इनकी क्षमता कितनी है, कुल 5, 5 से भाग दिया तो 4.8 डेज, ठीक है। 5 को 20 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 48 डेज। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से अपन को सवाल करना है सॉल्व, और इसी तरीके से सारे सवाल पूरे टाइम वर्क में यही आपका तरीका चलेगा और इससे आपके पूरे सवाल सॉल्व होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, तो हम अपना आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था, तो अपन सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, जो आपका ग्रुप डी में आया था, देखिए ए किसी कार को 15 दिन में करता है, ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में, ठीक है। और बी उसी कार को 20 दिन में करता है, कितने में करता है, 20 दिन में। अब इसने कहा है कि दोनों मिलकर कार को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो इनका टोटल वर्क निकालो। पहले टोटल वर्क के लिए मैंने बताया था इनका एलसीएम, टोटल वर्क निकालने कितना आएगा, 15 और 20 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, 60। कितनी आएगी बच्चों, 60। अब ए 15 दिन में 60 कार करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 15 चौको 60, 4 यूनिट, 20 तिया 60, बी कितना करेगा, 3 यूनिट। इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है, ए और प्लस बी की, ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई आपकी, ताकत आ गई 60। इसने पूछा है टाइम ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, टाइम ऑफ ए प्लस बी, तो टोटल वर्क कितना है, 60 है टोटल वर्क, और इनकी इफिशियंसी कितनी है, 7, 7 8 56 4 60, ये आपका हो गया। इस तरीके से करेंगे, ठीक है बच्चों। और इसमें अपना ऑप्शन ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी वाला, कौन सा है, बी वाला, समझ में आ गया ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक टायर में दो पंक्चर होते हैं, पहला पंक्चर 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता है। तो यहां देखो पहला पंक्चर तो ने ई मान लिया, और ये कितने, 9 मिनट में, कितने मिनट में, 9 मिनट, और सेकेंड वाला कितने में करता है, 6 मिनट में, बी कितने में करता है, 6 मिनट में। तो इसने कहा है क्वेश्चन में, यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंचर एक साथ कितना समय लेंगे। तो दोनों का पूछा है टोटल वही टाइम, तो इन दोनों का टोटल वर्क कितना आएगा, कुल कार कितना आएगा, 9 और 6 से कटने वाली संख्या क्या होगी, 18 18 हो गया, 9 दूनी 18 इफिशियंसी, 6 3 18, बी की इफिशियंसी 3। टोटल वर्क निकालना है, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। टाइम निकालना है तो अपन ए और बी का मैंने डायरेक्ट कर दिया, ए और बी, ठीक है, कितना है, 18, और यहाँ टोटल इफिशियंसी कितनी है, 3 और 2 5, 5 का भाग दोगे, 5 किया 15 3 18, ये कितना मिनट, ठीक है, यही आपका आंसर है। और आपका ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी आपका इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका टाइप फर्स्ट है, इसमें किस किस तरीके से सवाल होते हैं वो आप देख ही रहे हो, और बहुत ही अपन धीरे धीरे ऐसे सवाल को सीखते चलेंगे। जो आप बच्चे 12th पास करके आए हैं उनके लिए बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है, आइए। फिर है जी और एच एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। जी और एच अब दोनों साथ में काम करेंगे, पहले अलग अलग काम कर रहे थे, अब दोनों साथ में करेंगे, तो जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ देखो जी और एच दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, अब 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 30 दिन में कर रहे हैं। और फिर लिखा है एच अकेले इस काम को 50 दिन में कर सकता है, और एच कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है अकेले। तो इसने पूछा है
बताओ कि जी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जी का पूछा है कि जी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप मुझे बताओ टोटल वर्क देखो, 30 और 50 से कटने वाली क्या आएगी, 150। कितना आएगा? 150। टोटल वर्क कितना हो गया? 150। अगर टोटल वर्क 150 है तो जी जी और एच करते हैं 30 दिन में, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी, क्षमता कितनी आएगी? 30 × 5 150, 5 और 5 × 3 15 3। तो यहाँ देखो एच कितने दिन में करता है, 3 के हिसाब से करता है 1 दिन में 3, और यहाँ दोनों कंबाइंड करते हैं 5। तो अगर इसमें एच की इफिशियंसी 3 है तो जी की इफिशियंसी कितनी आएगी? 2। कैसे? यहाँ देखो दोनों कितनी है? 5। अगर मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ तो 5 में 3 कितना बचेगा? 2। इफिशियंसी देख लो आप, इफिशियंसी अगर जी और एच की इफिशियंसी देखोगे तो इसकी कितनी है आपकी? 3। कितनी है? 3। तो इसने कितनी आएगी? 2। कि टोटल कितनी है दोनों की? 5। ठीक है, इसने पूछा है कि जी अकेला इससे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो जी, तो टाइम ऑफ जी निकालना है। टोटल का कितना है? 150। क्षमता कितनी है जी की? 2। 2 से काट दो कितना आएगा टाइम ऑफ जी? 75 दिन। कितने दिन आएगा? 75 दिन। तो 75 दिन में जी समाप्त कर देगा कार को। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। समझ में आया ना? एक बार फिर समझो कि यहाँ जी और एच दो व्यक्ति हैं, साथ मिलकर 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, और अगर एच अकेला करता है तो उसको 50 दिन लगते हैं। ठीक है, टोटल वर्क मैंने लेट कर लिया 150 है। फिर आपने देखा कि 1 दिन में कितना करेंगे? 5। और एच अकेले 1 दिन में कितना करेगा? 3। अब दोनों की इफिशियंसी 5 है, एच की 3 है, तो अब दोनों की 5 है, एच की 3 है, तो 3 घटा देंगे, बचा कितना? 2। 2 किसकी आ गई? जी की। अब 2 जी की आ गई, तो अपने यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क भी है अपने पास, इफिशियंसी भी है, तो 2 का डिवाइड दे दिया कितनी बार गया? 75 डे। तो 75 दिन आपका इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। ठीक है बच्चों, आइए, ये सभी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखना, एक लड़का है किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है लेकिन अपने दोस्त की सहायता से इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। अब इसका दोस्त भी आ गया, तो मैंने कहा दोस्त मान लो बी होगा, इसका दोस्त क्या होगा? बी। तो कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में कर सकते हैं। कितने में? 6 दिन में। यह पूछा है कि उसका दोस्त अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो वही है, इनका पहले आप टोटल वर्क निकालो, तो 10 और 6 से कटने वाली संख्या क्या आएगी? 30। 10 या 30, 6 × 5 = 30। अब देखो दोनों की ताकत कितनी है? 5। ए की कितनी है? 3। तो बी की कितनी आएगी? इसकी 3 है, तो बची हुई इसकी कितनी आएगी? 2। इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब इसने पूछा है दोस्त, दोस्त क्या है, कौन सा है? बी। टाइम ऑफ बी निकालना है, देखो कितना जल्दी हो जाएगा। टोटल वर्क 30 और बी की इफिशियंसी 2, काट दो कितना आ गया टाइम ऑफ बी? 15 डेज। कितना डेज आ गया? 15 डेज। तो उसका दोस्त अकेला 15 दिन में काम तो कर लेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी आपका राइट आंसर। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरह के, धीरे धीरे चलना है, नहीं आए समझ में मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आवाज़ का इशू होगा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा, आप थोड़ा सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर फिर आपका 6 वाला क्या लिखा है, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। ठीक है, अब ए और बी दोनों साथ में मिलकर एक तालाब खोद रहे हैं। ठीक है, ए और बी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में तालाब खोद सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ए अकेले तालाब को 24 दिन में कर सकता है, खोद सकता है। कितने दिन में? 24 दिन में अकेले करता है। तो पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए कि बी 1 दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। हिस्सा पूछा है, ठीक है, ध्यान देना, हिस्सा टोटल वर्क का। तो टोटल वर्क देखो पहले कितना आया, 12 और 24 से कटने वाली 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 एकम 24।
अगर ए की इफिशियंसी एक है तो बी की भी कितनी होगी एक, क्योंकि दोनों ए और बी दो है टोटल, तो ए की एक है तो बी की भी कितनी होगी एक। इसने पूछा है हिस्सा, ठीक है। अब हिस्सा निकालने के ध्यान रखना इफिशियंसी हमेशा ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी ऊपर जाएगी। तो यहाँ देखो बी का हिस्सा, बी का हिस्सा निकालोगे तो एक काम करता है कितने में से 24 में से, तो उसका यही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेवन का क्या आएगा, सिक्स का आपका कौन सा क्वेश्चन था, सिक्स, ठीक है बच्चों। आपका कितना हिस्सा आएगा, 1/24। आइए क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि ए एक कार को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ये हिस्सा वाले क्वेश्चन है, जिस जो जो टाइप बन सकते हैं मैं आपको सभी टाइप को यहाँ बताऊंगा, ठीक है। ए एक कार को 16 दिन में कर सकता है, ठीक है, कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। और बी उसी कार को ए द्वारा ली गई समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। अब ध्यान देखो थोड़ा घुमा दिया उसने, ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 समय में समाप्त कर सकता है। तो मैंने कहा ए कितना देता है, 16 दिन, और इसका 1/4 निकालो 1/4, तो कितना आएगा आपका 4 days, कितना आएगा 4 days। तो 4 दिन में बी समाप्त कर सकता है, थोड़ा यहाँ समझना है आपको, ठीक है। ए 16 लेता है, उसका 1/4 1/4 कौन लेता है, बी, तो 1/4 निकाला कितना दिन आया, 4 दिन, ठीक है। आइए अब उसने पूछा है आगे, तो बताइए एक साथ करते हुए भी एक ही कार का कितना भाग एक दिन में समाप्त करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, बी का हिस्सा पूछा था, अब दोनों का हिस्सा पूछा है, ठीक है। तो टोटल रख देखो आप, पहले 16 और 4 से कटने वाली 16, 16 एकम 16, 4 × 16, तो दोनों की इफिशियंसी क्या आई, इफिशियंसी आ गई ए प्लस बी की 5, ठीक है। हिस्सा पूछा है तो हिस्से के लिए मैंने क्या बताया था, हिस्से के लिए हम करना क्या है, इफिशियंसी ऊपर रहेगी और टोटल वर्क नीचे रहेगा, तो आपका यही आंसर है ए प्लस बी की हिस्सा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका रहेगा इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद अपना अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, के तथा एल एक काम को अकेले 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो के अकेला कितने दिन में करता है, 15 दिन में, कितने में करता है, 15 दिन में, और एल करता है आपका 20 दिनों में, कितने में करता है, 20 दिनों में। वे 5 दिन एक साथ काम समाप्त काम करके चले जाते हैं, काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। तो वो कह रहा है कि 5 दिन तक काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, तो कितना काम शेष बचा है, हिस्सा पूछा है। तो आप थोड़ा यहाँ देखो कुल वर्क कर लो कितना आएगा, टोटल वर्क कुल काम आ जाएगा आपका 15 और 20 से कटने वाली 60, 15 × 60, 20 × 60 इफिशियंसी आ गई। अगर इन दोनों का कुल काम कितना करेंगे, 4 और 3 7, एक दिन में अगर कुल काम देखें कितना आएगा, टोटल 7 दोनों करेंगे। तो यहाँ देखो कितने दिन काम किया उसने, 5 दिन, तो दोनों 5 दिन करेंगे। तो यहाँ देखो के और एल कितने, के और एल दोनों 7 में काम करेंगे, कितना है 5, कितने दिन काम किया, 5 दिन, सॉरी 4, कितना है इनका 7, कितने दिन काम किया 5, कितना टोटल काम कर लेंगे 35। तो दोनों ने 5 दिन काम किया तो 35 काम तो इन्हें कर लिया, अब बचा कितना है, अब 35 घटा दो इसमें से, आप 35 घटा दोगे तो बचा हुआ आपका काम बचेगा कितना, 25। तो रिमेनिंग वर्क आपका जो बचा हुआ कार्य है, या अपन लिखेंगे शेष कार कितना आ गया, 60 में से 35 घटाया 25। अब उसने हिस्सा पूछा है कि हिस्सा बताओ, तो हिस्सा निकालने के लिए मैंने बताया था जो शेष कार बचा है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर, 25 बचा है कितना, 60 में से, आप काट भी सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 5
25, 5 से काटोगे 12, तो 5/12 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। फिर समझो इसको थोड़ा, कि अपील 15 दिन में करता है, एड 20 दिन में करता है, ठीक है। तो उन्हें पूछा है कि कितना काम बचा हुआ है और उस बचे हुए का हिस्सा बताइए। तो मैंने कहा उन्होंने कितने 5 दिन के साथ काम किया, ए 4, के 4 करता है, एल 3 करता है, तो टोटल कितना हो गया 7। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे, ठीक है, अगर 5 दिन काम करेंगे तो कितना 35 काम कर लिया होगा, तो 60 में से 35 घटा दिया, कितना बचा 25 काम शेष बचा है। हिस्सा पूछा 25/60, तो 5 का भाग दे दिया, 25 और 5 से काटा 12 बार, तो आपका आंसर आ गया 5/12। कितना भाग शेष बचा 5/12, यही आपका आंसर है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे अब आपको और अच्छे तरीके से वीडियो बना के दे सकें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छे सवालों के साथ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।